नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य राम सूरत राजपुर व प्रतिनिधि रावण निषाद ने आज जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम से मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि जनपद के सड़क निर्माण कार्य सहित कुल 90 प्रस्ताव दिया गया था, इसमें से जनपद के लिए कुल 45 कार्य शासन से प्रस्तावित हुआ है। इसमें से कप्तानगंज से अरौला मार्ग व भदोली बाजार से निजामाबाद मार्ग भी शामिल है, जिसका बजट पारित हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने भी बताया कि मंडल की सभी समस्याओं के लिए श्रवण निषाद के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है, जिनके माध्यम से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि मंडल की समस्याओं को दूर करने का कार्य किया जाएगा। आजमगढ़ से सुधीर को जनपद का बनाया, सुधीर राजभर को, और श्रवण निषाद को मंडली प्रतिनिधि बना, तीन जनपद का इसलिए बनाया हूँ। उससे हमारा एक जनाधार बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी। इन वर्गों का वोट है खासा एरिया में, इसलिए बनाया हूँ पार्टी की मजबूत करने के लिए, और गरीब का काम भी हो जाए और गरीब ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए इन लोगों को बना। गरीबों को यहीं लखनऊ दिल्ली ना दौड़े, यहीं पर इनका काम हो जाए। साहब आपने जो भी किया, लेकिन आप यहाँ के जो आजमगढ़ के जो अधिकारी बात है ना, जब नेता अपना अस्तित्व खोएंगे, कोई अधिकारी नहीं चुनेगा, कोई कर्मचारी, अगर आप अपने ढंग से सही रहेंगे, सब अधिकारी नहीं चुके, सब सुनेंगे और नहीं सुनेंगे उसकी दवाई है। हम विधान परिषद में भी, अगर इसी बात आप लोग शिकायत दीजिए विधान परिषद में, हम क्वेश्चन भी लगा देंगे। पे वो अभी पास हो गया, पता लगा लीजिएगा। धरना प्रदर्शन ना कर रहे, पहले नेट आप देख ले 45 रोड में से कौन कौन हुए हैं, नेट पे है, हो दिखा दे, ले लीजिए आप लोग, नेट पे है। ये समस्या को लेकर थे, क्षेत्र की जन समस्या को लेकर थे, लोगों का काम था, काम करना कराना यही काम है नेता का। पूर्वांचल में जो है कि आपको एमएलसी विधान परिषद से बनाया गया है, पूर्वांचल नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का बनाया गया, पूर्वांचल नहीं। तो आपने अभी तक कितने प्रतिनिधि को आपने बनाया? हम 36 प्रतिनिधि बना चुके हैं, और इसलिए बनाए हैं कि गरीब जनता यहाँ से लेकर लखनऊ तक दौड़ती थी, मंत्रियों का चक्कर, एमएलए का चक्कर काटती थी, 2000 रुपया उनका नुकसान होता था, तेल पानी खर्चा, इसके बाद काम भी नहीं होता था। इस दृढ़ से हम बना दिए हैं कि हर जनपद में ये प्रतिनिधि रहेगा, तो निचले स्तर जिला अधिकारी, तहसील, ज़्यादा थाने काम रहता है, इतना काम हर प्रतिनिधि अगर पढ़ा लिखा किसी को बना दें तो कर लेगा। आजमगढ़ मंडल की अगर बात करें तो आजमगढ़ मंडल को विकास को लेकर के क्या कहेंगे? अब विकास के बारे में बता दे रहा हूँ, आज तक जितने लोग लड़े हैं, यह रिकॉर्ड है, आप नेट पर देख लीजिएगा, 98 सड़कों में से 45 सड़कें मैं पास करूँ, 500 स्वीकृत हो गया, उसको देख लीजिएगा नेट पर। आजमगढ़ के पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ, और जो भदोली मार्ग से छूटा था वो विधानसभा में 15 में क्वेश्चन लगाया था, वो अभी स्वीकृत शासन खो गया और जल्द पैसा भी आ गया है। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं?